आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग बीमारी तकलीफ कष्ट या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर पांच बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाई। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां तो यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस डर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी, ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा, जम के कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। कुंदकेश्वर महादेव को सबसे ज्यादा कोई चीज चढ़ती है तो सफेद पुष्प चढ़ता है। कौन सा पुष्प चढ़ता है? जम के बोलिए जरा, सफेद पुष्प। और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहां अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो, तो बारह महीने शिवरात्रि आती है, आती है बारह महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, बारह महीने शिवरात्रि आती है, आप प्रयास करना एक कामना कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय प्रदोष के समय पर शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि हमारे, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा, कि हमारे घर के पास में मंदिर था, उस मंदिर का कुछ नाम नहीं था, जिसने भी शिवाय नमस्तुभ्यम प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, सात बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है, दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है, शिव जी पर समर्पित करते जाना।
शंकर को चढ़ाते जा। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है, जम के बोलिए, शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती है जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब इन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर मां आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको तो एक महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। क्यों? 3 चीजें हमें किसी की नहीं चाहिए। एक पांव की चप्पल, ना जाने किसका काल मंडरा रहा था, ना जाने किसकी काल चल रहा था, ना जाने कौन सा बेकार ग्रह चल रहा था, और किसी की पड़ी हुई चप्पल तुम लेकर चले गए, वो काल तुम्हारे माथे पर चढ़ गया। तुमने सोचा ये चप्पल जब से पहनी है तकलीफ आ रही है, तो तुमने घर के दरवाजे पर रख दी, तो भी वो काल नहीं टला, काल नहीं टला। कई लोग कहते हैं हमारी चप्पल चली गई तो हम क्या करें, इसलिए हम दूसरे की ले गए, हम क्या करें उसमें, ले जाओ, मना नहीं है, आपका मन पड़े आप तो पूरे मोहल्ले की ले जाओ। कथा जब पूरी हो जाए ना तो ये ग्राउंड में बहुत सारी चप्पल पड़ी मिलेगी, तुमको देखना हो ढेर सारी, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम बोरा लाओ उन्हें भर के ले जाओ, मना नहीं है। पर नीति है किसी की चप्पल। और एक मांग का टीका किसी का नहीं चाहिए। ना जाने कौन सी घड़ी में कौन से पल उसकी मांग से नीचे उतरा था, और वो घड़ी और पल में कहीं हमारा ना उतर जाए। हमें किसी का मांग का टीका नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें किसी की चप्पल भी नहीं चाहिए, और एक किसी का, जम के बोलिए जरा, छाता। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। छाता लेकर जा रहा है, आप उसके साथ चल लो। किसी से ये मत कहना कि पानी गिर रहा है तो मां छाता देना, मैं बाद में भेज दूंगी। वो छाता लेकर आप घर चले गए, छाते में चप्पल में इसमें काल का प्रभाव है। इसलिए कोई जब मरता है या कोई उद्यापन करते हैं हम, तो उसमें पद जो दिया जाता है उस पद में चप्पल छाता ये बहुत जरूरी चीज है। बोलो देते कि नहीं देते? पद में चप्पल और छाता जरूर जाता है, नहीं तो सोचो ये चप्पल और छाते का क्या काम था साहब, जब मरने के बाद ये चप्पल छाता दिया ने, उद्यापन करो तो चप्पल छाता दो, इसमें काल रहता है। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। उस काल का हम दान दे देते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए। कदम चलकर हम शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक पहुंचते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग तक, शिवालय तक पहुंचते हैं। जैसे गंगा का जल लेकर नीलकंठ तक जाते हैं, गंगा का जल लेकर वेदनाथ जी तक जाते हैं, गंगा का जल लेकर काशी विश्वनाथ तक जाते हैं, छिपरा का जल लेकर महाकाल तक जाते हैं, नर्मदा का जल लेकर ओमकार तक जाते हैं, वैसा ही पुण्य अपने घर से एक जल का पात्र लेकर जब शिव जी को चढ़ाते हैं तो वह पुण्य हमारे खाते में लिखाते चले जाता है, वो पुण्य हमारे